ये भी विलुप्त की श्रेणी में आ चुका है, इसीलिए इसका मैं एक यादगार के तौर पे इसको मैं रखूंगा। और अगर बाद में कोई जानना चाहता, देखना चाहता है कि मॉनिटर कैसे दिखते हैं, दिखते थे। नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरे पीछे आप जो ये टीवी नुमा दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं CRT मॉनिटर, मतलब कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। ये जब मैं कंप्यूटर का क्लास करता था, कंप्यूटर कोर्स करता था, तब मैंने इस मॉनिटर खरीदा हुआ था। तो आज बताता हूँ इस मॉनिटर खरीदे कितना साल हो गया है, और मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का जो काम स्टार्ट किया था ना, वहीं स्टार्ट किया दोस्तों। तो बहुत सारी बातें करने यार वीडियो के अंदर, और आपको हम इस मॉनिटर के बारे में बेसिक बताएंगे। अगर आप कंप्यूटर हार्डवेयर कोर्स करते हैं, कंप्यूटर कोर्स करते हैं, तो आपको इस मॉनिटर के बारे में जानना चाहिए। बहुत बार एग्जाम में भी जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। हाँ, उसके बाद चैनल पहली बार आए हुए हैं, कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दी, जब भी हम कोई नया वीडियो बनाएंगे तो आपके पहुंच जाएगा। देखिए दोस्तों, ये जो मॉनिटर दिख रहा है आपको ना, ये सैमसंग कंपनी का मॉनिटर है, और मोटा मोटी ये 15 इंच का मॉनिटर है। ये देख सकते हैं लुक वाइज जो है, फ्रंट में सिल्वर दिया हुआ है, और उसके बाद ये पीछे बड़ा सा डब्बा दिया हुआ है। तो बहुत सारे बच्चे जो आज के डेट में कंप्यूटर कोर्स करते होंगे, और तो उसके हम जानते नहीं होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जहाँ पे पुराने कंप्यूटर लगे स्कूल के अंदर, तो वहाँ दिख जाता होगा कि CRT मॉनिटर लगा हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि यह बहुत कम जगह आपको ये वाले मॉनिटर देखने को मिलते होंगे। तो बता दिया इसका मैंने फुल फॉर्म जो है, CRT का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब, मतलब एक टेक्नोलॉजी के अंदर होती है जो ट्यूब के माध्यम से आपको डिस्प्ले दिखाता है। इसमें दिखा देते थे पहले किस कनेक्टिविटी से कंप्यूटर से कनेक्ट होता था। देखिए इसमें दो तार मिलने मिलते थे, एक ये मिलता तार मिलता था, ये तार इसको बोलते हैं VGA पोर्ट बोलते हैं, देखिए VGA केबल कहते हैं ये, और इसी को अपने हम जो है कंप्यूटर में लगा देते थे, या लैपटॉप डिस्प्ले होता था इस पर लगा करके इसको हम करते थे। और उसके बाद दूसरा जो है ये पावर पोर्ट, देख सकते हैं पीछे मोड़ते हैं इसको हमें, इसमें देखिए पावर के लिए दिया हुआ, करंट मतलब 230 वोल्ट करंट इसमें जाता था, और ये इस तरीके से मॉनिटर में असेंबल करते थे, तो ये वाला मशीन लेते थे। और पहले यही आता था, अब तो बाद में LCD आ गया, TFT आ गया, LED आ गया, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं होते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें, तो इसको मैं रखा हुआ 2005 का खरीदा हुआ मॉनिटर मेरे पास है। 5 साल 15 साल 17 साल पहले मैंने इस TV खरीदा हुआ था, और इसको कहीं बेचा नहीं, कि कुछ दिन पहले लोग कहते थे कबाड़ में बेच दीजिए तो 500 रुपये जाएगा, मैंने कभी सेल नहीं किया, लेकिन अब कबाड़ी भी इसको 100 रुपये में लेता है। पहले क्या होता था, ये जो मॉनिटर कबाड़ी खरीद लिया था हम लोगों से, तो इस स्क्रीन का ना, इस टीवी का छोटा टीवी बन जाता था, जो कि दिल्ली उल्ली में टीवी बनाते भी लोग खरीद के यूज़ कर लेते थे, लेकिन अब इसका टीवी भी नहीं बनता है, तो उसको फोड़ करके कबाड़ी इसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट निकालते हैं उसको सेल करते हैं, तो 100 रुपये आज के डेट में इस मॉनिटर देते हैं। अगर वर्किंग कंडीशन में तो, और नॉन वर्किंग कंडीशन में है तो इसका मात्र 100 रुपये मिलता है। ठीक है, दो कनेक्टिविटी होती रहती। अब देखिए जो अब मॉनिटर आते हैं ना, मॉनिटर आते हैं तो उसका जो है बिजली खपत कम हो चुका है, मतलब 40 वाट के ऊपर चलते हैं, कोई 60 वाट के ऊपर होता, अलग अलग रेंज के आता है। जैसे LED मॉनिटर हो गया, उसका बिजली खर्चा बहुत कम हो चुका है, इसका बिजली का खर्चा ज़्यादा होता था आज के मुकाबले, पहला चीज़ हो गया। फिर ये जगह घेरता था, देख ही रहे हैं कि जगह घेरता था, इतना जगह लेता था, अब तो पतले से मॉनिटर मिल जाए आपको और वहाँ पर लगा काम कर सकते थे। फिर लोग कहते हैं ये हैं कि वो पोर्टेबल होता है, कहीं भी उठा के उसको मोटर को आप यहाँ से वहाँ उठा लीजिए, ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, क्योंकि छोटे बच्चे तो इसको उठा ही नहीं पाएंगे, कोई हैवी आदमी रहेगा तभी इसे उठाने की बात करता है। और जब मैंने खरीदा था इसको मोटर को ना 2005 में, तब तो उस समय इसका वैल्यू लगभग 5000 रुपये था। सोचिए उस समय इसका वैल्यू 5000 रुपये था, तो मतलब 2005 में 5000 रुपये का वैल्यू कुछ कहलाता था कि 5000, आज तो 5000 वैल्यू कम हो चुका है, लेकिन उस समय मैंने कंप्यूटर संभल किया था मैंने, जिसमें 256 GB रैम था और लगभग 80 GB का हार्ड डिस्क था, इंटेल पेंटियम डुअल कोर मशीन था उसके साथ में है ये, तो इसको रखा हुआ हूँ मैं अपने पास में। और ये वीडियो बना के सिर्फ आपको दिखाना ही चाहता था कि इसको CRT बोलते हैं, CRT फुल फॉर्म क्या होता है, इसमें कौन कौन से पोर्ट आते थे, इस पिन के अंदर 15 पिन आते हैं, यही पूछ लीजिएगा, कोई पूछे VGA जो केबल आता है, VGA पोर्ट आता है, उसमें कितने पिन होते हैं, तो इसमें जो पिन दिया होता है ना, ये 15 होता है, काउंट कर लीजिएगा। इसको VGA बोलते हैं, VGA मतलब होता है वीडियो ग्राफिक अडाप्टर कहते हैं ये। और मॉनिटर में ना, इस CRT वाले मॉनिटर में पहले 15 इंच आता था, फिर 17 इंच आता था, 19 इंच कम देखने मिलता, दो ही आता था, एक आता था 15 इंच का और एक आता था 17 इंच का आता था। तो अगर आपके पास पड़ा हुआ है, बेचना चाहते हैं तो किसी कबाड़ी से बेचना अच्छा है, इसको रख दी एंटीक पीस बना करके, और 10 साल और रख लूँगा तो लो फिर जो नए बच्चे आएंगे उनको दिखेगा नहीं दिखेगा, फिर वो खोजेंगे अरे यार CRT मॉनिटर कैसे
कैसे आता था कि बहुत सारे लोग जो फ्लॉपी नहीं देखे होंगे आज के डेट में, तो पहले फ्लॉपी आता था। ये देखिए फोटो देख लीजिए फ्लॉपी का, ये इसमें क्या होता था कि हम 1.4 MB तक ही डेटा मान सेव कर पाते थे। आज का देखिए पेनड्राइव आ चुका है, कोई 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB कितना GB आ चुका, कितना डेटा कर सकते हैं। तो 10 साल बाद ही मॉनिटर दिखेगा नहीं। तो पुराना मेरा ये मॉनिटर था और मैं सोचा कि इसको दिखा दूँ आपको और आपको इसके बारे में बता दूँ कितने रुपये का मैंने लिया हुआ था, कितना पुराना था ये और कैसे मैं यूज़ करता था। अब हाँ, और बहुत सारे लोग जब हम देखते लोग हमारे घर पर आते थे कहते थे मैंने अपने घर में कंप्यूटर लगा लिया हूँ, तो एक तरह से शौक हो जाता कभी कहते अरे यार कंप्यूटर लगा रखे हो, क्योंकि 2005-2004 में कंप्यूटर रखना एक बड़ी बात होती थी। अब तो नॉर्मल कंप्यूटर हो चुका है, हर घर में आपको कंप्यूटर मिल जाता है क्योंकि सस्ते हो चुके हैं। तो उस समय मेरे एक रिलेटिव बॉम्बे से आए तो उन्होंने कहा कि कंप्यूटर क्यों खरीदे, मैं बोला सर कंप्यूटर कोर्स करता हूँ और कंप्यूटर हार्डवेयर काम करता हूँ इसलिए मैंने खरीद रखा है। तो क्या कुछ और खरीद लिए होते तो उस समय उनको लगता है कुछ अलग है, लेकिन हमने सीखा हुआ उसी की बदलो जो है आज देखिए हमने मेहनत किया हुआ है, पढ़ लिख करके जानकारी हासिल किया और आज कंप्यूटर के बारे में अच्छी खासी जानकारी है और कंप्यूटर लैपटॉप रिपेयरिंग काम भी करते हैं और उसके बाद यूट्यूब के ऊपर वीडियो बना करके आपको बताते रहते हैं इसके बारे में पूरा। अगर इसके बारे में कुछ और आपको जानना होगा ना तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिएगा, मैं प्रयास करूँगा कि आपको इसके बारे में और बेसिक जानकारी दे दूँ। और क्योंकि अब ये विलुप्त हो जाएगा, जैसे बहुत सारे जानवर हैं जो प्रजाति हैं वो विलुप्त हो रही हैं, उसी प्रकार से ये भी विलुप्त की श्रेणी में आ चुका है, इसीलिए इसका मैं एक यादगार के तौर पर इसको मैं रखूँगा। और अगर बाद में कोई जानना चाहता देखना चाहता है कि मॉनिटर कैसे दिखते हैं दिखते थे तो उस प्रकार से दिखाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो इस वीडियो से कुछ थोड़ा बहुत भी आप सीखे हों तो वीडियो को इसको लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए बताए आपके लिए क्या अच्छा वीडियो बना सकते हैं। और हाँ, इसको उठा के मैं बार दिखा देता हूँ भाई कितना भारी। हाँ देखिए हैवी है ये, एकदम पूरा हैवी है, ठीक है पसीना निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आप सब लोग को हाँ शेयर कर दिए वीडियो को आप सब लोग को। नमस्ते दोस्तों।